वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ा चेहरा तुसी अपने स्क्रीन ते देखिया शायद तुसी भी देख के कह रहे होंगे भी अज मनुखता दी सेवा वालियां दे पेज दे उत्ते राम गऊ क्यों दिखाई जा रही है। पर अज बड़ी दुख दी गल आ भी असीं बचपन तो छोटे होंदे देखदे आ रहे हां, साडियां पुश्तां तों इह सारा कुछ चलिया आ रहा भी इह राम गऊआं पालण वाले परिवार, ये राम गऊआं नूं लै के पिंडा पिंडा दे विच मंगण वाले परिवार, राम गऊआं दी पूजा करन वाले उहनूं मां मन्नण वाले परिवार अज इन्हां हालातां दे विच पहुँच गए भी उहनां नूं तुहाडे सामने अपने बच्चे की जिंदगी बचाउण लई भीख मंगनी पै रही है। अज संगत दे सामने आ के साडे सिस्टम ने इन्ना ज़्यादा मजबूर करता इन्हां गरीब लोकां नूं भी इन्हां नूं अज आ के तुहाडे सामने खड़ना पै रहा। सरकारी हस्पतालां दे विच साडे इलाज नहीं मिलता, असीं अक्सर कहिंदे आ प्राइवेट हस्पतालां दे विच गरीब बंदा इलाज करा नहीं सकदा, असीं अक्सर कहिंदे आ, पर इहदा हल की आ? अज ओजी राम दा बेटा महादेव जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहा। आपका क्या नाम है? नंदा। नंदा का पति ये बापू जी की नूह आ, बापू जी का बेटा जिहड़ा राम गऊआं की पूजा करता सी, राम गऊआं नूं लैके जन्म तो ही बचपन तो ही वह बच्चा राम गऊआं दे विच लग्गिया। तो तुसीं अक्सर देखते हो साडे पिंडां दे विच राम गऊआं लैके परिवार किदां साडे घरां दे विच आउंदे ने। आ तुसीं देख सकते हो इस टाइम जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहा महादेव। महादेव दे ब्रेन दे विच इनफेक्शन हो गई, क्लाउट आ गया, ब्रेन दी नाड़ी फट गई, ब्रेन हैमरेज आ गया। दीपक हस्पताल दे विच ICU वार्ड दे विच पिया जिहदे ते हुण तक 70-80 हज़ार रुपया परिवार कहिंदा साडा खर्च आ चुकिया। वह भी जो पैसा इन्होंने मंग के जो पैसा हुण तक दी सारी जिंदगी दी मेहनत ने कमाया सी वो बुढ़ापे का सहारा इस बजुर्ग का सी। इहदा पुत अज वह मंजे ते पिया, पैसा सारा लग गया, डॉक्टर हजे होर कहिंदे आ पैसे नूं क्योंकि इलाज बड़ा महंगा वा। ICU वार्ड दे विच रखना, वेंटीलेटर दे उत्ते एक पेशेंट नूं रखना, एक दिन का 8-10 हज़ार रुपया खर्चा वा जिहड़ा पैंदा वा। 8-10 हज़ार रुपया खर्चा एक गरीब बंदा किदां ला सकदा एक दिन का? ਇਹ ਰਾਮ ਗਊਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਗਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਔਜੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਔਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ? ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਤਾਈਏ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਜੀਏ, ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਤਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕੇ ਕੋਈ ਆ ਗਏ, ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੇ ਢੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਥਾਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਚਾਲੂ ਹੈ, वहाँ इलाज तो कर रहे हैं, अभी ऊपर वाले की मर्जी है, उसको बचाना ना बचाना भगवान की लीला, इसके आगे क्या कर सकते। आपने इलाज के लिए पैसा कहाँ से लगाया आपका? ऐसे हमने माँ मुँह के लगाया था महाराज, अब जैसे दिए थे वैसे लगा के वो ख़त्म हो चुका, अब मैं बहुत मजबूर हो गए, अब इलाज के लिए हम बहुत तरस रहे हैं। कोई इलाज सरकारी में कहीं इलाज हुआ आपका? पहली बार हुआ। अब विनती करो संगत को, बोलो भी हमारे बच्चे हमारे घर वाले का इलाज करवा दो। जो पैसा था हमारे पास जो हमने लगा दिया, जो कमा के दिया वो लगा दिया है, मंजे पर जो कमाने वाला हुआ ही पड़ा है, तो हम कहाँ से लाऊंगी? एक आदमी जनानी बच्चे मेरे छोटे छोटे निके, मैं कहाँ से लेके आऊंगी? जितने मेरे पास उम्मीद नहीं, मैंने बना दी उम्मीद बांध ली, अभी मेरे पास खत्म हो गया, अभी मैं कहाँ से लगाऊंगी? लुधियाना में पंजाब में कितनी देर से हो आप? कम से कम 25-35 साल हो गए इधर ही है, यही गाँव का काम करते, मांग के खाते। बाबा आप भी जहाँ पे काम से हो, जवानी से यहीं पे लुधियाना में पंजाब में? यही इधर ही है, यहाँ पे है, इधर के रोटी दाना हमारे कर्म में लिखा था, इधर ही है। आपको संभालने वाला, आपको बुढ़ापे में लाठी आपकी, यही बेटा? यही बेटे, इसी के पास रहते? इधर ही रहता, लड़के के पास। मेरे भी दो ऑपरेशन हुए, लड़के का हो गया, एक हो गया, एक इधर हो गया, दो ऑपरेशन मेरे हो गए, और फिर मुझे दो झटके आ गए, आँखों में कमजोरी आ गई, बस मेरा सारा थक गया। कहाँ रहते हो आप? यही लड़के के पास, अपना घर है झुकी रहते
गरीबी भी अत दी आ, गरीबी की कुछ कराउंदी आ। इस बजुर्ग का बुढ़ापे का सहारा इहदा पुत महादेव जिंदगी ते मौत दी लड़ाई लड़ रहा वा। ये बजुर्ग अज इस गां नूं लै के घूम भी नहीं सकता भी पिंडां दे विच घूम के अपनी रोजी रोटी है, क्योंकि इहदी रोजी रोटी है इहनां नूं आपके जन्म से जैसे खानदानी काम है, ऐसा काम खानदानी जन्म यानी कि आपकी जो कुश्तानी थी आपके सेवाओं में चली गई, हमारी गांव के सेवाओं में सारी जिंदगी इसमें, जो आपके पिताजी दादाजी वो भी सब यही काम करते, गांव के बारे में गांव के काम करते सब गांव की सेवा। गौ माता ये जी राम गौ, ये गौ माता की सेवा करते हैं परिवार। अज गऊ माता के भी की हालात अभी देखते हैं, सड़कों के उपर गऊं गंद खा रही, गऊं साढ़े उन्होंने माँ तो कहते साढ़े जे की कहीए बस जानी कि उन्होंने लोगों बारे भी माँ तो उन्होंने कहें, पर माँ को गंद खाती देख के वे कोल दी लंघ जाते हैं। पूजा जो करनी होंगी उदों तो फटके लिया के माँ को मत्था टेक देंगे, उस तो बाद उ माँ साढ़े शहरों के गंद खाती मिलती है सानू। पर इदा के लोग भी ने जिहड़े इन्हां गावां नूं पूजदे भी आ ते वाकई उहदा माण ते उहदा सत्कार भी करदे आ। अज असीं एक इनसानियत दे नाते इत्थे खड़े आ, एक इनसान दा पहला फर्ज है एक इनसान की मदद करनी। इस बजुर्ग के हालात नूं देख के सानू दुख लग्गिया इस गल दा भी जे अज इहदा पुत पंजाब दे विच बिना इलाज तो मर गया भी इलाज क्यों नहीं करा सकिया, भी पैसे है नहीं सी ते क्यों है नहीं सी पैसे, भी सारी उम्र पंजाब च मंगया गऊ माता नूं लैके पिंडां दे विच जा जा के मंगया, अखीर नूं पुत बीमार हो गया ते पुत बिना इलाज तो मर गया। ये साढ़े लिए शर्म की गल हो, साढ़े वास्ते दुख की गल हो, साढ़े वास्ते वो मरी हुई इंसानियत वाली गल हो। तो असी इस करके इस परिवार का साथ देण बारे सोचा, तो तुहाडे तक दे मैसेज पहुँचाउण बारे सोचा कि शायद तुहानूं इस गल की समझ आ सके भी साडा समाज कित्थे तिकर गिर गया, साडा सिस्टम कित्थे तिकर खत्म हो गया, इदां दे लोक कित्थे जाण, इन्हां दे बारे च कोई गिणदा ही नहीं, कोई इन्हां नूं गिणती च नहीं आउंदे बंदे। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਨੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਖਿਆਂ 'ਤੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਤੀ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਏ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਖਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗਾਂ ਚੱਲ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਏਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ।
इस तो पहला एक वीडियो हम दो घंटे पहले ही पा के हटे हैं, तुम देखिया मनजोत कौर बच्ची 18-19 साल की बच्ची सारा शरीर गल गया वह किए घर पई वह नर्क तो भी बदतर जिंदगी कट्टी मजबूर तो इदा इदा के परिवार के मैंबर आ जोड़े साढ़े उन्होंने इलाज वास्ते जरूर जरूर अगे आया करो, सहयोग दया करो, अरदास करो कि बापू अपने पुत के सहारे अपना बुढ़ापा कट सके, पुत ठीक होके अपनी एक चंगी जिंदगी कट सके। बस इन अगर साढ़िया बेनती हैं बापू जी वालों भी यही बेनती है भी बेटा वा जोड़ा उसकी जिंदगी बच सके, ये बुढ़ापे दिया लाठियां वा जड़िया वो टुट ना जान कि, बस इन्नी की बेनती है। बापू रोना नहीं गया, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं है, अभी मेरी डॉक्टर के साथ बात हो के आया है, उसके मुंह पे ऊपर ऑक्सीजन लगाया है बड़ा वाला, तो अभी मेरे से बात हुआ है डॉक्टर का, तो उसका इलाज है अभी अच्छी से होगा, हम पूरा कोशिश करेंगे जब तक वो ठीक नहीं होता हम आपके साथ देंगे पूरा, ठीक है, भगवान कृपा करेंगे बाबा जी, कोई बात नहीं। आप हमारे बुजुर्ग हो, हमारे बड़े हो, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, बस जी साज के समाज दस्वीर देख के दुख लगता भी इदा के बजुर्ग कि अपना दिन कट रहे हैं, सरकार ने तो सिर्फ ना दरकार वोटा पिछे लड़ी जाते उन्हें उन्होंने सीट लिया, उन्हें वह वोटा तोड़ती उन्हें उन्होंने सीट लिया, बस सीटी जाते एक दूजे चक्की जाता, जिदे हाथ के हथ कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिदे हाथ के लाठी है वो भैंस है, इन्हों के हाथ के बेचारे ने लाठी है नहीं, इन्हों की गां भी है नहीं, हूँ इस टाइम तक बेचारे एक कहावत सच होकर ढुकती है इन्होंने उपर, जिदे को पैसा ना वो तो ही है सब कुछ, जिन्हें को पैसा है नहीं इन्हों का पुत पिया बेचारा मरी जा रहे, इन्होंने गऊ का पुन की लगू, इन्हों की करे लोग, असिनिया की बेनती है जी बोली जिन्ना मर्जी बोली है, इमोशनल बंदे हैं जिन्ना मर्जी इमोशन, पर कोई फर्क नहीं पैंदा अजकल साढ़े कहने का कोई फर्क नहीं पैंदा, चलो बापू जी के बेटे वास्ते जरूर अरदास करो, बापू जी के बुढ़ापे के सहारे वास्ते जरूर अरदास करो, रोना नहीं है बाबा, रोना नहीं है, भगवान के अच्छा करेगा, वो राम जी अच्छा करेंगे, वो अल्लाह वो राम वो वाहेगुरु और भगवान सब एक हैं, सब ठीक है, सब अच्छा करेंगे बाबा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।